नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। जिले में फिर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूर्व कुख्यात अपराधी एवं डकैत हरी सिंह का खास गुर्गा आया पुलिस की गिरफ्त में। अवैध हथियार रखे दबोचा, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। अवैध 15 देसी कट्टे सहित 8 जिंदा कारतूस किए बरामद। जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़। अवैध शराब, भू माफिया, रेत उत्खनन सहित चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला पुलिस कप्तान के कड़े निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी भोजपुर वीरेंद्र सिंह धाकर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एस आर दंडोतिया एवं SDOP खिलचीपुर सुश्री निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में अपनी टीम एवं मुखबिर सक्रिय किए गए। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके तहत पूर्व कुख्यात अपराधी एवं डकैत हरी सिंह उफ हरिया का एक खास गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में आया, जिसके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। स्वागत जिंदगी के लिए इमरान अंसारी की रिपोर्ट। इसमें अभी हम लोग चिटफंड धोखाधड़ी और इस तरह के अन्य जो कुख्यात अपराधी हैं उनको खत्म करने का निर्देश दिया गया है। तो जो पुराने अपराधी हैं उनमें से कईयों का हम लोगों ने अभी जो उनके अवैध कब्जे, अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा है। प्लस जो पुराने लिस्टेड गुंडे हैं या हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके संबंध में भी जानकारी और उनके अभी की परिस्थितियों में जो अवैध गतिविधियाँ हैं उन पर नज़र रखते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। राजगढ़ जिले के एक पुराने अपराधी जिसकी हत्या इसी वर्ष अप्रैल मई में कर दी गई थी, उसी हरी सिंह का एक साथी पुलिस को पकड़ में आया है, जो तभी से राजगढ़ से दूर हो गया था और यहाँ की गतिविधियों से दूर हो गया था, इस डर से कि जिन लोगों के साथ उन्होंने ये घटनाएं की हैं वो लोग पलट के इनके साथ भी हमला कर सकते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता गया अब इन्होंने अपनी वापस से यही गतिविधि, इससे पूछताछ में पता चला है इसके जो 4 पुराने अपराध हैं, जिसमें से एक NDPS का भी है जो यहाँ का है, दूसरा NDPS का ग्वालियर का है जहाँ ये केंद्रीय जेल ग्वालियर में बंद रहा है, एक ट्रैक्टर चोरी का है, एक इन्होंने बुलेरो चोरी की थी हरी सिंह के साथ मिलकर, जिससे इन्होंने चैन सिंह तंवर की हत्या करने में उसी बुलेरो को प्रयोग किया गया था। एक और भी इन पर 25-27 आर्मगार्ड के पुराने भी मामले दर्ज हैं। जब इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि ये हरी सिंह के मरने के बाद से अकेले इस तरह की गतिविधियों में शामिल था। ग्वालियर, भिंड और मुरैना की तरफ से संभवतः ये इस तरह के पिस्टल्स को लेके आते थे और इन्हीं पिस्टल्स और कारतूस का अपनी घटनाओं में उपयोग करते थे। यहाँ ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है कि इन्होंने इस तरह की कोई घटना की है, क्योंकि इसके झालावाड़ क्षेत्र में भी ऑपरेट करते थे। तो अभी झालावाड़ SP से भी बात करके उनके इलाके की भी अगर कोई घटनाएँ होंगी तो उसके संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। अभी इससे टोटल 15 जो पिस्टल हैं कट्टे हैं 315 बोर के वो और 8 जिंदा राउंड 315 बोर के बरामद किए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में SDOP खिलचीपुर निशा रेड्डी मैडम और इनके साथ थाना प्रभारी भोजपुर वीरेंद्र धाकड़, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र राजपूत।